एमपी के जबलपुर में नागरिक सुरक्षा कानून के विरोध में हंगामे किए गए, तोड़फोड़ की गई। पुलिस पर पथराव के बाद चार थाना क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील दी जा रही है ताकि लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीद सकें। वहीं पुलिस द्वारा दबंगाइयों की धरपकड़ की जा रही है। इसके अलावा दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का पहरा और सख्त कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमण करते हुए क्षेत्र में नजर जमाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू होने के बाद भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में लोग एकत्रित होकर नागरिक सुरक्षा कानून का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपने की तैयारी में रहे। जिन्हें पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देने की कोशिश की तो पथराव कर वाहनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। दबंगाइयों द्वारा मचाए गए उपद्रव के बाद गोहलपुर और हनुमानताल क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं कोतवाली के मिलौनीगंज, आधारताल के मोहरिया, आनंद नगर, अंबेडकर कॉलोनी, निर्भय नगर और कटरा में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उन उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू, जिन्होंने शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की। देर रात से शनिवार को सुबह तक दबंगाइयों की धरपकड़ जारी रही। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई है, जिससे उपद्रवियों को चिन्हित किया जा सके। सुबह से ही पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमण पर रहे। दंगा प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त की जा रही थी, यहां तक कि लोगों को घरों से बाहर तक आने नहीं दिया गया। स्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं सामान्य, और अभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों की, जिसमें निर्णय लिया गया है 3 घंटे की छुट्टी, जिसमें 1.5 घंटे आधारताल और हनुमानताल में और 1.5 घंटे की गोहलपुर और कोतवाली क्षेत्र में, मतलब 3 बजे से 4:30 बजे तक और 4:30 बजे से 6 बजे तक पुलिस पर्याप्त है और जगह जगह लगी हुई है और स्थिति अभी नियंत्रण में है और स्थिति भी नज़र बनाए हुए हैं। घंटे की हिदायत छूट दी गई है, किस तरह की? 1.5 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने का सामान हो गया, दवा मेडिसिन हो गया, उसके लिए 1.5 घंटे की छूट यहाँ पर दी गई है 3 से 4:30 तक। और जो दूसरे थाना क्षेत्र हैं, गोहलपुर थाना क्षेत्र का एरिया है, कोतवाली का एरिया है, वहाँ पर 4:30 से 6 की छूट। किस तरह के अभी हालात हैं, इससे बात की जाए? अभी हालात स्टेबल हैं और इस छूट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट लेंगे। जी सर, ढील के बाद अभी क्या हालात है? देखिए, अभी 3 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है चारों थाना क्षेत्रों में जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, और अभी सब लोग निकल रहे हैं, आवश्यक वस्तुएं खरीद रहे हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं और स्थिति अभी सामान्य है, और कोशिश यही है कि ऐसी स्थिति सामान्य रहे तो फिर आगे की चीज़ों को तय किया जाए। और अभी चहल पहल है, लोग अपनी आवश्यक वस्तुएँ खरीद रहे हैं और सारी स्थिति सामान्य है। सुबह एक घटना सर सामने आई थी कि पत्थरबाजी की घटना यहाँ पर हुई थी राजा चौक के पास, मौर्य साइड। नहीं देखिए, बच्चे हैं जो कल भी किए, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, ऐसी पत्थरबाजी की बात नहीं होती है। बच्चे निकलते हैं, तंग गलियाँ हैं और यहाँ डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की ज़्यादा है, बच्चे आगे निकल आते हैं, पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है तो कई बार बच्चे पीछे की तरफ चले जाते हैं, कई बार आगे आ जाते हैं। सामान्य जो चीज़ें होती हैं उस तरह की चीज़ें हुई हैं, कोई ऐसा पत्थरबाजी कल के बाद कोई ऐसी संज्ञान में नहीं आई है जैसी कल हुई थी।